गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप कैसे सर। कैसे हो सभी लोग? सर ठीक है। ठीक सर ठीक हो? और क्लास पिछले सैटरडे को नहीं चली थी? बिल्कुल ठीक है। लास्ट सैटरडे योर क्लास विल नॉट कंटिन्यू बिकॉज़ आई वाज बिजी इन सम बोर्ड वर्क्स। एलओसी? नहीं एलओसी नहीं, एलओसी से भी कुछ और अलग काम था, बोर्ड का ही काम था, स्कूल का ही, एंड आई वाज बिजी इन दैट वन ड्यू टू व्हिच आपकी एलओसी की तैयारी चल रही है। एलओसी के ही पेपर वगैरह कुछ डाउनलोड करने थे, निकालने थे, जिसके लिए आपके पास नहीं ले पाया। एंड टुडे आई एम फ्री। मे बी कि आपकी एक आध क्लास डिस्टर्ब हो आजकल में, द रीजन इज दैट कि देर इज अनदर सेटअप फॉर योर ऑफलाइन क्लासेस, उसकी तैयारी भी चल रही है बिकॉज स्कूल विल ओपन फ्रॉम 19। तो उसमें थोड़े सेटअप चलने की वजह से आपकी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है एक आध क्लास, वैसे कोशिश की जाए कि क्लास कंटिन्यू हो। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बिफोर दिस वन थिंग आई वांट टू से टू ऑल ऑफ यू दैट आई होप कि सभी लोगों की एलओसी चेक हो चुकी होगी, वेरीफाई हो चुकी होगी। यू ऑल हैव वेरीफाइड योर एलओसी? यस सर। ओके बेटा, देन Another list will come in which you have to sign. एक दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें आपको साइन करना होगा। You will be informed. और हमें उम्मीद है कि तब तक आपका स्कूल खुल चुका होगा, आप डेली आ रहे होंगे। बहुत ज्यादा बच्चे परेशान थे कि उनका मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक, वो लिस्ट भी अभी आई नहीं बेटा, वो बाद में ही आती है। बाद में आपको अप करना होता है, ऑप्शन चुनने होते हैं कि आप स्टैंडर्ड लोगे या बेसिक लोगे। बट इस ईयर का जो सर्वे रहा है, जो हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे बेसिक लिए थे मैथ्स में, उनके मार्क्स कम आए हैं क्योंकि पेपर उनका टफ था, और जो भी स्टैंडर्ड लिए थे उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लोगे। स्कूल ना फोर्स करने, स्कूल फोर्स नहीं करेगा ना टीचर फोर्स करेंगे कि आपको यही स्टैंडर्ड। हाँ, यू विल, इट विल डिपेंड ऑन यू दैट विच वन इज लाइक बाई यू, आप क्या पसंद कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू आर फ्री टू ऑप्ट योर मैथ्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक, इट इज नॉट अ मैटर दैट देयर विल बी एनी फोर्स टू चूज द स्टैंडर्ड। बट अभी वो कोई लिस्ट नहीं आई, कई बच्चे उस दिन पूछ रहे थे क्योंकि सबके में स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है अभी, तो अभी तो पहले से स्टैंडर्ड ही है, उसमें चुनने का मौका आपको बाद में मिलता है। लेट अस सी सर, कोर्स ए और कोर्स बी क्या है? क्या बेटा, हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी क्या है? कोर्स ए हिंदी के दो सब्जेक्ट होते हैं, आपका कोर्स ए ही चलता है, हिंदी कोर्स ए ही चलता है यहाँ आपके पूरे रीजन में, जो भी आपका रीजन है यहाँ कोर्स। यस सर, और बहुत सारे स्कूल में कोर्स बी भी चलता है। नहीं नहीं, इधर जो है आपके विद्यालय में या अगल बलिया के लगभग सभी विद्यालयों में कोर्स ए ही चलता है, लिटरेचर हिंदी चलती है। ठीक है, वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर दैट वन द स्कूल विल ओपन एंड यू आर अलाउड टू कम टू स्कूल, इन दैट कंडीशन देर आर सम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट विच यू हैव टू फॉलो on the day of LOC when you have come. I have seen that most of the students have not used mask. beta aap use karo, aisa nahi ko hamare liye kar rahe ho, aap apne liye use karo, apne liye, apne parivar ke sadasyon ke liye, apne family members ke liye, because when you are going out in that condition, suppose that if anyone will come in contact of any affected person, then most probably the virus will be carried by you. And when you move to home, maybe ki the infection can spread to the family member. To iske liye zaruri hai ki whenever you are going out from the houses, jab bhi aap apne ghar se bahar nikal rahe ho, us sthiti mein aap face mask ka use karo, sanitizer ka use karo. Yadi sanitizer nahi bhi hai, koi baat nahi chalega. Aap apne hand ko mouth se ya pure is हिस्से से दूर रखो। जैसे ही आप घर पहुंच रहे हो, सर्वप्रथम सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप अपने कपड़े उतारो, धोलो, नहा लो, फिर परिवार के सदस्यों से भोजन करो, बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल राइट नाउ। मे बी द स्कूल इज गोइंग टू ओपन, ऑल द थिंग्स आर ओपन कंप्लीटली, देर इज नो एनी रूल एंड रेगुलेशन टू अवॉइड द कोरोना। बट इफ anyone will suffer from COVID-19, in that situation it will be very difficult for your family members, for
द होल सोसाइटी, सबके लिए परेशानी होगी बेटा। और ऐसा नहीं है कि अब कोविड 19 समाप्त हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही सारी चीजें सामान्य हो, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं सर, डे बाय डे केसेस आर इंक्रीजिंग। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपका समय व्यतीत हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन दीज डेज द केसेस आर इनार्मसली इंक्रीजिंग, नॉट ओनली इन इंडिया, आप फ्रांस को देख लो, रसिया को देख लो, जहां पर पूरी तरह से रुक चुकी थी सारी केसेस और फिर से इंक्रीज होना शुरू हुई है। बट अब ये ऐसी भी स्थिति नहीं है कि जानलेवा हो, हमारी जान ले सके, ऐसा नहीं है। हाँ, हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, और वो सावधानी वो है आवर सेल्फ, वी हैव टू बी प्रिकॉशियस, ठीक है। एंड दिस कोविड 19 इज नथिंग, क्या बेटा? हाँ, क्लासेज विल कंटिन्यू। आपको मैसेज, अभी कई बच्चे मैसेज किए थे कि क्लासेज कब से चल रहा है, स्कूल 19 से ओपन होगा, लेकिन आपको कब आना है ये मैसेज जाएगा स्कूल से, फिर आप आओगे। मैसेज विल बी डिलीवर्ड ऑन योर व्हाट्सएप। सर स्कूल बस? हाँ हाँ, सब कुछ चलेंगे, स्कूल बस वगैरह चलेगी, आप कैसे आओगे? स्कूल बसेज विल कंटिन्यू, बट हाउ इट विल बी कंटिन्यू एंड व्हाट इज द शेड्यूल फॉर योर अराइवल, द मैसेज विल सेंड ऑन योर सेल फोन। आपको मैसेज किया जाएगा बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कैसे आना है। बट एक चीज तो आप जान लो कि सभी लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में अपने आई कार्ड के साथ, जो भी आपका पुराना आई कार्ड है उसके साथ ही आ पाओ, और फेस मास्क सबसे एसेंशियल बेटा, उसको आप बिल्कुल खरीद लो, सैनिटाइजर भी संभव हो तो रख लो, ठीक है। क्योंकि एलओसी वाले दिन हम लोगों ने देखा, आपको ऐसा लग रहा है कोई डर ही नहीं है, कोरोना कुछ है नहीं, नहीं है बहुत कुछ कोरोना। आप उससे एक बार मिल लो जो ग्रसित हो चुके हैं, जो सफर कर चुके हैं, आपके अगल बगल पड़ोस या रिश्तेदार नातेदार यदि कोई इससे ग्रसित हुए हैं, तो उनसे एक बार आप पूछ के देख लो, वो आपको बता देंगे। 3-4 डेज अर्लियर हमारे एक रिलेटिव पॉजिटिव हुए थे, सिर्फ पॉजिटिव हुए थे, कोई परेशानी नहीं थी उन्हें, ही वॉज एज नॉर्मल एज अ हेल्दी मैन। द प्रॉब्लम वॉज डेट कि देर इज लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल और टेस्ट जा चुकी थी, कोई चीज वो न सूंघ पा रहे थे, न खाने का टेस्ट उनको पता चल रहा था। एक्सेप्ट इट, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारी दिनचर्या उनकी नॉर्मल थी, न बुखार था, न सर्दी थी, न खांसी थी। फिर धीरे 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 उन्होंने प्रिकॉशन बरता, सारी चीजें ठीक हो गई। तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और यदि आप सावधानी बरतते हो तो कोरोना मतलब कुछ भी नहीं, नहीं बरतते हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। चलो अपने टॉपिक में हम लोग आते हैं। वी हैव टू स्टडी द सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। सर सुबह से चलेगा ना क्लास? सुबह से इंफॉर्मेशन जाएगी, कब से क्लास चलेगी, इंफॉर्मेशन जाएगी। और सबसे पहले रवि प्रकाश बोल रहे हो ना, रवि? तो यस सर। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पास तो हर इंफॉर्मेशन होगी, है ना? यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन बाय योर फादर। भरमार है सर, भरमार है। कोई बात नहीं, चलो बेटा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने आप को म्यूट कर लो, म्यूट योर सेल्फ। Let us see our environment. In this chapter, what are the things which we have to study? We have to study about the environment. हमारा पर्यावरण क्या है? उसके बारे में पढ़ना है. And what are the things which are involving in the environment? जैसे biodegradable क्या है? Non-biodegradable substances क्या है? उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है इस chapter में. कि what are the biodegradable things? What are the non-biodegradable things? How the waste are polluting our environment and what are the ways by which we can overcome to pollute our environment? What are the things which we have to follow to overcome from the pollution? After this, we have to study about the activity differentiation between biodegradable and non-biodegradable substance. आप biodegradable और non-biodegradable के बारे में lower classes में भी पढ़ चुके हो, 8 में पढ़ चुके हो, 6 में पढ़ चुके हो. कि व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, व्हाट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोलॉजी क्या होती है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम,
फिर हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इनके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को. कंप्लीट वी हैव टू डू द कंप्लीट स्टडी ऑन इकोसिस्टम. द वर्ड इकोसिस्टम इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज टेंसले. तो उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर क्या है, उसके बाद हर्बीवोर्स कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स क्या हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है और आप इससे परिचित भी हो. आफ्टर देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कार्निवोर्स ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स के बारे में डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है. ट्रॉपिक फैक्टर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट आर द ट्रॉपिक फैक्टर, व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल. एंड we have to study about the different tropic level because there are four tropic level, tropic level first, second, third and fourth. ye kya hai inke bare mein bhi janna hai. then we have to study about the food chain, type of food chain. food chain kya hota hai, kis tarah se ek organism apne survival ke liye wo dusre organism par depend rehta hai, isko bhi janna hai. that is called as food chain. then we have to study about different types of food chain, किस तरह से food chain maintain होता है और how it will be disturbed, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि food chain क्या होता है. ecological pyramid कैसे prepare होता है, या हम कह लें कि what is the ecological pyramid, food web क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है. and then we have to study about the input of ecosystem. and then at last very important term we have to study about the 10% law. 10% law last year ye question aaya bhi tha, what is 10% law, we have to study about it. and then biological magnification of harmful chemicals last topic hai ki kis tarah se jo chemicals hain wo biologically magnified hain, means we have to study about the biological magnification of the harmful chemicals. And what are the things, what are the activities of the animals or the human beings which affect our environment. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारा environment degraded होते जा रहा है, pollute होते जा रहा है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है. After that we have to study about the ozone layer. What is ozone layer and how this ozone layer is going to increase. What are the reason for the depletion of ozone layer. and at last managing of the garbage which is produced by us. हमारे द्वारा जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, जो गर्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कैसे मैनेज करें. What are the ways which should be followed by all of us to overcome for increasing the garbage due to which the pollution is increasing. means हमें वो उन तरीकों को भी पढ़ना है कि pollution को कैसे कम किया जाए, garbage को कितना कम किया जा सके, कैसे किया जा सके, इनके बारे में हम लोग पढ़ना है. तो these are the things which we have to study in this chapter. let us see, we are going to start from our environment. as the word given here environment. environment means environ. it is made up from Greek word. environ, it is a Greek word environ, and इसका मतलब होता है about. this is the Greek word environ, मतलब about, पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना है. तो first of all we should have to know that what is environment, पर्यावरण क्या है. we can say that environment is the sum total of external factors. जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं सभी एक साथ हो जाएं, एंड द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, द कंडीशन वेयर द लिविंग बींग्स एंड द कंडीशन दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल ओवर. सच टाइप ऑफ कंडीशन वेयर देयर इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल factors or substances or living beings and the condition of
surrounding of an organism which influence the same without any disturbance. That is called as environment. The total sum of the organisms which consist of both the living and non-living things in an environment where we are living and doing all our work, there is involvement of both the living things as well as non-living things, and both are important for our survival. In that condition, when it consists of both the living and non-living components, and each living and non-living components have subcomponents, there are several subcomponents also. In that condition, when there is living beings, there is non-living beings, and all the living and non-living beings have several subcomponents, that different components and the subcomponents of the environment are interconnected with each other. Yeah, hum keh sakte hain ki they are interlinked with each other. All the components and subcomponents that is present in the environment are interlinked, are interconnected, are connected with each other, and they are interdependent. In that condition, when all the components and subcomponents are interlinked together, then there is interrelation between them. Kya hoga? Jitni bhi cheeze hamare is dharatal par maujood hai, chahe wo living hai ya non-living hai, सबके बीच कुछ ना कुछ लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? सिंपली आप देख लो कि आप जहां रह रहे हो, बहुत सारे जीव जंतु भी हैं जो लिविंग है, पेड़ पौधे भी हैं, वहीं पर पानी है, हवा है, यह धरातल हमारी पृथ्वी है, अर्थ है. ऑल आर द नॉन लिविंग एंड देयर इज अ रिलेशन. इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ द नॉन लिविंग विंग्स. एबायोटिक फैक्टर्स जो है उनके बगैर हम नहीं रह सकते. They are the abiotic, but they are essential for the survival. जैसे हवा है, पानी है, धरती है, सूर्य है, means light है. इसके बगैर जीवन संभव नहीं है. तो all are interlinked together. क्योंकि सूर्य होगा तो उससे रोशनी निकलेगी, हवा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पौधे उसको लेंगे, वो पौधे भोजन बनाएंगे, उनसे हम जीवित रहेंगे. पानी है, नदियां, तालाब, पोखरे हैं, तो उन नदियों में पानी बादल से आ रहा है, बादल बनेगी, बादल से बारिश होगी, बारिश से नदियों में पानी जाएगा, उस पानी का यूज हम पीने में, खाने में, अपने दैनिक दिनचर्या में करेंगे, खेतों की सिंचाई में करेंगे. ऑल आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो वी कैन से दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स, एंड ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, ऑल दीज आर कनेक्टेड टुगेदर, ऑल दीज आर हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट. सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है. इन दैट कंडीशन देयर इज चेंजेस. Nowadays, due to the increasing pollution, there is changes. यह हम कह सकते हैं कि deterioration हो रहा है, कमी होती जा रही है. Due to this changes, due to the deterioration of any components of the environment, जो हमारा component है, जो हमारा environment है, यदि इसमें किसी component की कमी हो रही है, deterioration हो रहा है, changes हो रहे हैं, in that condition, the environment is likely to be affected, or the environment will be affected at any rate. So, kya hoga? If there is presence of different type of components which are essential for the survival of living beings, it is essential for the life on the earth, and there is degradation, there is changing, there is deterioration of the components which is essential for the survival, in that condition, what will happen? There will be the bad impact on the life. उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसका कुप्रभाव पड़ेगा, और उस दुष्प्रभाव की वजह से हमारा पूरा एनवायरनमेंट प्रभावित होगा. ड्यू टू डेटोरिएशन, ड्यू टू चेंजेस द कंडीशन, आर वी कैन से दैट ड्यू टू चेंजेस इन द कंपोनेंट्स दैट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, इट विल अफेक्ट द होल एनवायरनमेंट. एंड व्हेन द environment will affect it, then it will not very easy for the survival of the things on the earth. Jitne bhi living beings hain unke liye bahut aasan nahi hoga. How can we say? Hum kaise keh sakte hain? Suppose that if you all are familiar with the biogeochemical cycle which you have studied in class 9, aap padhe ho biogeochemical cycle, aapne padha tha
इन विच यू हैव स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और वाटर के बारे में आप लोग पढ़े थे. सपोज दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इसेंशियल. होल द बायोलॉजिकल और बायोजियोकेमिकल साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द थिंग. विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इट इज नॉट पॉसिबल दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड. एंड वेन प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ in absence of carbon dioxide, in absence of sunlight, then what will happen? There will be no availability of food. And in that condition, when the food will not available, plant will not available, then how it is possible that the other living beings or consumer will survive? Sambhav hai ki jeevit reh paye, nahi reh payenge. So we can say that when the environment will affect, the whole environment will affect and the organism which are existing in the environment are not survive very easily. For example, suppose kar lo abhi hum log uski charcha kar rahe the ki in bio geochemical cycle we have studied about the nitrogen cycle, about carbon cycle, about oxygen cycle, about water also. One by one aap le lo. Suppose that the nutrients are going to decrease day by day. Jo bhi nutrients hain, which is essential for the survival of life, all are going to be changed, and there is changes in the various component in the environment. In that condition, for the example, if there is disturbance in carbon cycle destroy ho rahi hai, maan lo uski matra bahut zyada hi ho gayi, if the amount of carbon in the atmosphere, in the biosphere, in the environment is increasing, then global warming will increase. And that global warming will affect the whole life on the earth. Sambhav nahi hai ki jeevan normal rahe. Wo dheere dheere kya hoga? Prabhavit hoga. Jo garmi hogi, avashyakta se zyada badhne lagegi. Global warming increase ho jayegi. And that global warming will affect the life on the earth. If there is disbalance in nitrogen cycle, in that condition what will happen? It will also affect the life on the earth. Wo bhi prabhavit karegi. Yadi oxygen ki kami hogi, paudhe nahi rahenge, carbon nahi rahega, paudhe nahi rahenge, nitrogen nahi hoga, to bhi hamare soil ki fertility jayegi, global warming increase karegi. Oxygen ki kami hogi aur us oxygen ki wajah se kya hoga? Is prithvi par, is dharatal par jo jeevan sambhav hai, wo dheere dheere kya hoga? Samapt hone lagega. Means there will be a condition when the life will not possible very easily on the earth. So we can say that any disturbance or dissociation, jo disturbance cause ho rahe hain ya species ka dissociation ho raha hai, in that condition there is in dissociation in the cyclic process is bound to affect the growth of whole the life on the earth or whole the biotic life on the earth. So it is necessary to maintain the biogeochemical cycle on the earth. And what are the ways by which we can maintain the environment? We will study about it also. If we discuss, then there are some part of environment that is फंक्शन एज अ रिसोर्स. इस वर्ड को हमें जानना है. देयर इज सम पार्ट ऑफ एटमॉस्फियर आर एनवायरनमेंट दैट इज फंक्शन एज अ रिसोर्स एंड सम आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी फैक्टर्स. Let us see resource and regulatory factors we should have to know. Some are called as resource, whereas some are called as the regulatory factor, whereas there are some other things which is called as both the function. Jo dono hi function karte hain. Kuch to resource hain jiski wajah se jeevan sambhav hota hai, kuch aise hain jo regulate karne ka kaam karte hain. But there are some factors which work like resource and regulatory factor. For example, there is presence of forest on the in the environment.
फॉरेस्ट है. दिस फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल विच इज द रिसोर्स एंड रेगुलेटरी फैक्टर एंड इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दैट कंडीशन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. दिनों दिन हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, मल्टीपल कंडीशन डेवलप हो रही है, हमारी जनरेशन डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज इनॉर्मसली इंक्रीज हो रही है. तो जब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा देन उनकी नेसेसिटीज भी बढ़ेंगी, उनकी जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी. एंड वेरी इजली ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन सोसाइटी द नेसेसिटी विल इंक्रीज इनॉर्मसली. एंड वेन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन दैट कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट पॉपुलेशन there will be requirement of places, requirement of food, requirement of transportation and other essential things are required. सभी चीजों की जरूरत होगी. From last 3 decades, आप पिछले 30 वर्षों से देख लो, हमारी population तेजी से growth हुई है. और इस population growth की वजह से there simply we can say that the resources are reducing. जो भी रिसोर्स है वो फंक्शन करेंगे एंड व्हेन देयर विल बी द फंक्शन ऑफ रिसोर्स उसका हम उपभोग करेंगे तो धीरे धीरे वो कम होगा. वेरी इजिली वी कैन से दैट इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज द डिफॉरेस्टेशन टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्रीज टू एस्टेब्लिश द सोसाइटी फॉर लिविंग बींग्स. लोगों को रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कंपनियां स्थापित की जा रही हैं, यातायात के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं. इन दैट कंडीशन दैट फॉरेस्ट आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑन द अर्थ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय. तो डेफिनेटली वी कैन से दैट आवर एनवायरमेंट विल गेटिंग अफेक्ट अननोइंगली वी आर अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. And we should have to overcome, we should have to save the forest because it is essential for the survival of life. Then what are the things which you have to follow, which you have to do to overcome from these things? Suppose that if a tendency of excessive consumption of the things, excessive consumption of the things by the human beings will increase, then it will affect the life. Then what are the things we should have to follow the rules to decrease the necessity. हमें अपने उपभोग को कम करना होगा, जो हमारी जरूरतें हैं उनको reduce करना होगा. We have to manage it to save our environment. इस chapter से कुछ है नहीं लेकिन question इस chapter से आता जरूर है, हमें पढ़ना theory ही है. तो what are the things, how can we maintain are balance the environment? For this we have to study about 2 things which are important. First of all, what happen when we add our waste to the environment? Ek heading aapki book mein di hui hai. The first heading is given that what happens when we add our waste to the environment. Bade aasani se aap keh sakte ho kya hoga yadi jo hamare dwara waste create ho raha hai usko hum 300 rupees gaye. Hey, aditi tiwari abhi khud बिल्कुल भी शर्म खो चुके हो तुम लोग, हया नाम की चीज नहीं है. गाइल म्यूट करो अपने आप को, क्लास करती हो गाइल आइल शुरू कर देती हो इसी में तुम लोग. इतना तो हमारे पास मैनर होना चाहिए. हमारी बात तुम्हारे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे. तुम लोग बिल्कुल ये नहीं सोचते हो कि यू आर अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस. व्हाई नॉट यू थिंक कि यू आर नॉट इन ऑनलाइन क्लासेस एट दिस टाइम, यू आर इन योर स्कूल. आप अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो इस वक्त बेटा, यह फीलिंग आपके अंदर आ जानी चाहिए. बिकॉज वी हैव नो अदर ऑप्शन फॉर द स्टडी. क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? अभी मैंने सारी बातें आपको बताई. आफ्टर देन इफ यू आर नॉट कॉन्शियस देन वट कैन वी डू, हम कर क्या सकते हैं? हम यहां से बैठ खड़े होकर चिल्लाते रहेंगे, आप अपने घर पर मनमानी करते रहो. Then it is possible that you can get the things in a proper way. हम सिलेबस को आज धीरे धीरे चाहते तो ये सिलेबस कभी का खत्म हो चुका होता.
आज तक ये बचा ही नहीं होता, बट आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू यू एंड यू आर एबल टू। ये चैप्टर तो एक दिन का ही है जो हम लेक्चर दे रहे हैं, इतना लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, एक दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 से 5 पन्ने में आपकी किताब में दिया हुआ है, देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। लेकिन धीरे 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 इसको हम लेके चलें ताकि समय बचा रहेगा। जब आप ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ ऑफलाइन आओगे तो उन चीजों को हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे इसके लिए। और आप घर पे हो, घर पे मस्ती शुरू कर दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड करते हैं बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, सभी बच्चे करते हैं, एक की वजह से सभी को परेशानी हो। 64-65 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, किसी एक की वजह से इतने बच्चों का 2 मिनट जा रहा है, उसमें डाटा कंजप्शन हो रहा है, मोबाइल की बैटरी जा रही है, उनका समय नुकसान हो रहा है, एनर्जी की एफिशिएंसी कम हो रही है, इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे हम, इसके बारे में हमें सोचना है। लेट अस सी व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव टू नो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरमेंट, क्या होगा, पॉल्यूशन विल इंक्रीज। ऑब्वियसली एक सिंपल सा आंसर होगा कि इफ वी आर एडिंग द वेस्ट then at any rate the pollution will increase and that pollution will affect the whole biotic life, पूरे जो जैविक स्थितियां हैं उन सबको क्या करेगा, वो disturb करेगा। तो first of all what we have to do, the waste means what do you understand by the waste, the things which we have used and unless it cannot be used, waste word means the useless things, leftover things, or we can say that discarded material. Waste का मतलब हम क्या कहेंगे, वही ना कि जो हमारे द्वारा use किया जा चुका है अब वो use नहीं हो सकता, वो useless है, वो बेकार है, वो used है। तो that used things should be managed in such a way that it cannot affect our environment, उससे प्रदूषण न फैले, उससे pollution न फैले, इसके लिए हमें कुछ करना है। So what are the things which you have to follow to overcome from the pollution, to reduce the pollutants, kam se kam pollution phale, iske liye hame kya karna hoga? Very easily we can make differences among different type of waste. The waste which is generated in our daily life are of different type, tamam tarah ke, there are different type of waste material. Wastes are of different types. Maybe ये तमाम अलग अलग स्टेट में ही होंगे, maybe the waste are in the form of gaseous, it is also in the form of liquid, solid, कई form, किसी भी form में हो सकते हैं ना, gaseous form में हो सकते हैं, जैसे कल कारखानों के चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो अभी हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करता है, डेट इज द वेस्ट पार्ट। या जो ऑटोमोबाइल्स है, उन ऑटोमोबाइल का जो एग्जास्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चलाए जाते हैं, उन व्हीकल से जो धुआं निकलता है डेट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट, तो डेट इज द वेस्ट पार्ट, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन से डेट देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वेस्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस मैटर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट हो सकता है, सॉलिड स्टेट हो सकता है, और इट विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रबिस। रबिस मतलब जो बेकार की चीजें हैं, वेरी सिंपल वी कैन से दैट देयर आर सम ब्रोकन टॉयज, ब्रोकन थिंग्स एट आवर हाउसेस, हमारे घर पर बहुत से ऐसे सामान हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रबिस कहेंगे या ट्रैश कह सकते हैं उसे। तो दैट रबिस एंड ट्रैप्स आर आल्सो द वेस्ट मटेरियल, आप उनको भी कैटेगराइज कर लो, रबिस को लिख लो, रबिस हो सकता है, रबिस के साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट भी हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या होगा, अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, केमिकल वेस्ट हो सकता है, विद दिस देयर आर सम फार्म वेस्ट आल्सो, हम पशुपालन करते हैं, जानवरों को पालते हैं,
उनका जो डंग वगैरह यूज होता है या जो फॉडर यूजलेस हो जाता है, नहीं खाते हैं, तो उससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है, वह भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है। सो हम कह सकते हैं कि देर आर प्रेजेंस ऑफ फार्म वेस्ट विच इज ऑल्सो हार्मफुल, इट कैन ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट ऑल्सो। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट विच इज जनरेटिंग इन अवर डेली लाइफ। इट मे बी इन गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रबिश और ट्रेसेस, आप लिख सकते हो ट्रेसेस, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, केमिकल वेस्ट हो सकते हैं, एंड फॉर्म वेस्ट हो सकते हैं। तो वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट? इन फॉर्म ऑफ गैस वी हैव स्टडी अबाउट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज और बहुत सारी चीजें हैं, जिसे जिसके चिमनियों से धुआं निकलता है वो हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। जो ऑटोमोबाइल से वेस्ट निकलते हैं, धुआं निकलता है, वो भी प्रभावित करता है। लिक्विड की हम बात कर लें तो देर आर मेनी थिंग्स लाइक सीवेज वाटर जो है हमारे घरों से, कंपनियों से निकला हुआ जो गंदा पानी है, इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द थिंग्स। क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, सॉइल पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, तो लिक्विड हो जाता है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो देर आर मेनी टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब उस सॉलिड वेस्ट में हमने तमाम चर्चा कर ली, किसकी, उसमें रबीज की चर्चा हम कर लिए, गार्बेज की चर्चा कर लिए, है ना, जो कूड़े कचड़े हमारे डेली लाइफ में उत्पन्न हो रहे हैं, डेली लाइफ की जो हम चीजें यूज कर रहे हैं उसमें तमाम तरह के गार्बेज क्रिएट होते हैं, तो दैट गार्बेज आर ऑल्सो कैटेगराइज एज द सॉलिड वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट हो जाएंगे, जिसमें इस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत ही ये रबीज आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ सकता है, केमिकल हो सकता है, फार्म वेस्ट हो सकता है, ऑल आर हार्मफुल फॉर द लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी हैव टू डू, वी शुड हैव टू कैटेगराइज द वेस्ट इनटू टू कैटेगरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो दैट व्हाट आर द टू कैटेगरी ऑफ द वेस्ट। इट इज कैटेगराइज एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। द वेस्ट शुड बी कैटेगराइज एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। You are very familiar about the biodegradable and non-biodegradable waste. Now the time is going to finish. Tomorrow we will study about biodegradable and non-biodegradable waste. Okay, beta? समय आपका समाप्त हो चुका? Yes.